ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਔਰ ਜੇ ਮੇਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਚੌਕ ਹੈਗਾ ਇੱਧਰ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਦਾ ਸਰਕਲ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਨਾਟ ਸਰਕਲ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਰ ਸਰਕਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਸ ਵਾਲੇ ਰੋਡ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ ਔਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੌਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੈਕਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਸਿਰ 'ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਵੀ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਹਣੀ ਬੰਨੀ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਫਲੈਗ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਖਤੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੋਸਟਰ ਜਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਚੌਂਕੀਦਾਰ। ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। चौकीदार है देश का, एक एक मेरा सिपाही, दिल्ली पुलिस का एक एक सिपाही चौकीदार है, CISF का एक एक सिपाही चौकीदार है, BSF का एक एक जवान चौकीदार है। ये प्रमोशन ऑल कश्मीर टू कन्याकुमारी तक है, हमारा प्रमोशन की प्रमोशन है। या देश का बच्चा बच्चा ही प्रधानमंत्री है, देश का बच्चा बच्चा ही आगे देश को ले जाने वाला है। पर ऐ वो तो ठीक है, पर ऐ कि तुसी बंगला साहब गुरुद्वारे के बाहर खड़े हो के बीजेपी की प्रमोशन नहीं कर रहे यार, ये बीजेपी की बात नहीं है, बात हमारे ट्रैफिक क्लियर करने की बात है। फिर ट्रैफिक होता क्लियर कर लो, ऐसा तो आप खड़े हो जाइए ना, आप खड़े हो जाइए ना, आप खुद सेवा कीजिए ना, आप प्रमोशन कर रहे हो, ये प्रमोशन पूरे बंगला साहब के बाहर खड़े हो, ये बंगला साहब के बाहर, ये देखो ट्रैफिक कितना जाम है, कोई जिम्मेदार है इनमें से? यार एक मिनट, आप अगर अच्छे गुरु के सेवक है तो आप खुद यहाँ खड़े होकर के प्रमोशन कर रहे हो, ये पॉलिटिकल पार्टी, ये गुरुद्वारा उधर अंदर है, ये रोड ट्रैफिक है, ट्रैफिक जाम करना ये जाम गुरुद्वारे के आगे लग रहा है, इसको जाम नहीं, ये रोड के बीच में आएगा। प्रमोशन क्यों कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, अच्छी गल है, चौकीदार है, मोदी जी प्रमोशन कर रहे हो, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, आप अगर गुरु के सेवक हो आप यहाँ खड़े होकर के सेवा करो, खड़े हो, आए हो अगला साल के बारे भाई साहब खड़े थे, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ये ट्रैफिक क्लियर हो रहा, आप भी करो, आपकी भी जिम्मेवारी बनती है, आप गुरु के अगर सेवक हैं आपकी जिम्मेवारी बनती है झाड़ू लगाना, आपकी जिम्मेवारी बनती है सेवा करना। तो ये देखिए कितना लंबा ट्रैफिक जाम हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं सिख होकर के, आपको शर्म आनी चाहिए, गुरु के सिख होकर के आपको शर्म आनी चाहिए, अरे आपको शर्म आनी चाहिए, ये ट्रैफिक कितना लंबा जाम हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, दिल्ली पुलिस करे, दिल्ली पॉलिटिकल पार्टी भी आप कर रहे हैं गुरुद्वारे के बाहर खड़े होके। एक बात सुनिए, ये गुरुद्वारा तो आप जब ट्रैफिक जाम था तब सोए थे क्या, आप जब ट्रैफिक जाम था तब आपको नींद आ गई थी क्या, आपको नींद आ गई थी क्या, मुझे मर गई है बुलाओ, ये मैं ट्रैफिक क्लियर कर रहा हूँ, और आपको नजर आ रहा कुछ, आपको कुछ नजर नहीं आ रहा सर जी, आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा, आप अपना काम कीजिए, हमें अपना करना है, मीडिया जर्नलिस्ट है तो आइए, कहाँ पे आना है मीडिया, संहिता लगी ओके, गुरुद्वारे के बाहर खड़े हो तो आप एक काम करो, आप यहाँ पर खड़े हो जाओ, मेरी जगह छोड़ो, आप खड़े हो जाइए, रोक नहीं रहा, चलो मैं आपको एक लेके नहीं कर सकता, एक बात आपको बताता हूँ, ये ट्रैफिक जाम हो रहा, आपकी जिम्मेवारी नहीं बनती है, आप कैसे सिख है, गुरु के सेवादार हैं, आप खड़े हो जाइए, एसजीपीसी के प्रधान को बुलाइए यहाँ पे, दिल्ली कमेटी के प्रधान को बुलाइए, यहाँ ट्रैफिक क्लियर कराइए, कितना बड़ा जाम लग रहा है यहाँ पर, यहाँ जाम कितना बड़ा लग रहा है, आप क्या सेवा कर रहे हैं, कृपान डालिए, गुरु के सिख हैं आप, सिख हैं आप, कुछ भी नहीं है, आप सिख भी नहीं, आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम करेंगे, यहाँ ट्रैफिक जाम हो रहा है, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए गुरुद्वारे, अच्छा आप जब क्या कर रहे हैं, चलो
अब सेवा दे रहे हैं या ट्रैफिक जाम नहीं होना चाहिए। प्रमोशन आप अपने काम कीजिए, मुझे अपना करने दीजिए। प्रमोशन कर रहे हो, कर रहा हूं मैं। तस्वीर तो कन्याकुमारी कर रहा हूं, रोकना तो दम है तो रोको। चलो भाई चलो, बस ए सिंह ने बढ़िया सेवा निभाई है। ये वो सिख है जो जो ये वो सिख है जो गुरु को पेट दिखाते हैं, गुरु को पेट ये पितर दिखाने के लिए डाल रखी है इन्होंने। गुरु ये क्या कहा है, आप सेवा कीजिए, आप सेवा कीजिए, आप सेवा कीजिए, कर सेवा कीजिए। मैं तो कर रहा हूँ, मैं तो कर रहा हूँ, समझे? आप करो, आप करो, आप करो। संगे जी जिन्हें सेवा निभानी थी ना निभाती, जेड़े वीर सी दो पोस्टर खो के ले गए हैं। बहुत बढ़िया, ऐसा मतलब है कि भाई जागी जमीन वाले लोग है, आवाज चुकन वाले लोग है। ये अकाल आदमी नाम के सरदार है, उसे चौक दे बार खड़े हैं। कुछ लोग ऐसे मेरे ना लाए भाई साहब, क्या जो क्या मैंने उनको रोका है, मैंने कुछ गलत किया? आपको क्या लगता है, आप खड़े हो, आप इतनी देर से देख रहे थे? हाँ जी, आपने कुछ नहीं बोला, आपने बिल्कुल सही बोला है। अच्छा, जो लाल बत्ती हो रही है बिल्कुल ही, वो तो अपने काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन इन्होंने ये जो मोदी की तरह बोर्ड लगा रखा है कि मैं चौकीदार हूँ, ये गलत है। बीजेपी के प्रचार कर रहा है, आपने अक्सर बताया, आपको इस बात का उन्होंने गलत लगा है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, इन्होंने यहाँ पे आए दिन ट्रैफिक जाम रहता है, पूरे ऑटो लगे रहते हैं। इसमें कोई दिल्ली कमेटी का प्रत्येक मिनट ना, तो दिल्ली कमेटी का प्रधान खड़ा होता है ना, बड़े सेवादार खड़े करते हैं। दिल्ली पुलिस का काम है, दिल्ली पुलिस का काम नहीं है। ये गुरुद्वारे के आगे ऑटो खड़े हैं, किस लिए खड़े हैं? आपका काम है, आप सेवादार गुरुद्वारे के, मैं भी सेवादार हूँ, मैं भी वीर जी सेवादार हूँ। आप किस चीज के सेवादार हैं, मुझे बताइए, कौन सी कार आदमी आपकी? दिल्ली कमेटी है। हाँ, आपको पता मैं कौन हूँ? आप कुछ भी नहीं जानते मेरे बारे में। थैंक यू, अगर आप जानते होते तो आप यहाँ खड़े होते, ट्रैफिक क्लियर करते। नहीं वीर जी, अगर तुम सेवादार जे तो तुम ऐसा जाके सेवा कर सकते हैं। हम तो सेवा 24 घंटे करते हैं, फुल काम है। वन सेकंड, मैं ऑल इंडिया ऑल वर्ल्ड प्रचार कर रहे हैं। हां जी, आप क्या कर रहे थे? सेवा की थी, मैं प्रचार कर रहा था। क्या कर रहे थे? काम लगा हुआ यहाँ पर, ये भी गलत है। आप ऑटो नो पार्किंग में लगा रखे, गलत है। आपने ऑटो नो पार्किंग में लगा रखे, गलत है। के प्रचार कर रहे हैं, गलत है। ये देश का प्रचार है। एक मिनट चुप हो जाओ, उन्होंने बोल लंदा ये सी बी ए कह रहे हैं, उन्होंने बोल लंदा। आप बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं, चलो चलो। ये सी बी ए कह रहे हैं, ये जो मैं चौकीदार हूँ, बोलिए चौकीदार हूँ, ये उठा रहे हैं। आप कौन है? और कुछ नहीं है, आप देश का बच्चा बच्चा चौकीदार है। मेरा बीएसएफ का जवान चौकीदार है। एक मिनट को बोलने तो दीजिए। हाँ जी, हमारे जो प्रधानमंत्री का कहना है वो यही है कि मैं भी चौकीदार हूँ। ये राइट राइट ये पब्लिक समझ रहे हैं कि ये आप मोदी के साथ दे रहे हैं। अच्छा अच्छा, मोदी ये कह रहे हैं, वो देश का बच्चा बच्चा प्रधानमंत्री। आपको पता है, आपको पता है इस चीज का? नहीं पता है ना, तो अपना जब सिख लोग, जब हम सरदार लोग इंदिरा गांधी को गड्डी चढ़ा सकते हैं, राजीव गांधी को चढ़ाते हैं मोदी, ठीक है? सरदार लोग इंदिरा गांधी को गड्डी चढ़ा सकते हैं ऑन द स्पॉट। और चार बंदे से खड़े हो, वो भी कह रहे हैं कि जी जो हैगा कि भाई ये तुसी बीजेपी का प्रचार कर रहे हो। अच्छा, वो चार बंदे गलत है ना? समझेंगे, अगर हर कोई क्या समझेगा भाई साहब, सब यही समझेंगे। अच्छा, क्योंकि उन्हीं का लफ्ज यही है। हाँ हाँ, ठीक है, बिल्कुल है ना जी, बिल्कुल। अकाल चैनल नू सब्सक्राइब करो, नवी वीडियोस दी नोटिफिकेशन दे ले बेल आइकन नू क्लिक करना ना भूलना।